नमस्कार सर, जैसा कि आपने बताया कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ एज ए लेडी। वैसे तो मैन बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए लेडी जब से मैंने ट्रांसपोर्ट शुरू किया है सर, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सर क्या है ना, GST बाकी चीजें तो अलग हैं, हम लोगों का सर कोई माए बाप नहीं है। कोरोना हुआ, ट्रक ड्राइवर गए जगह जगह, उन्होंने माल दिया, दवाइयां दी, लेकिन उसके बावजूद सर उनको कभी भी पुलिस वाले उतारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पैसे ले रहे हैं। मतलब जितना भ्रष्टाचार हम लोगों के साथ हो रहा है ना सर, उतना कहीं किसी के साथ मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला। तो हमारा कोई है ही नहीं सर, एसोसिएशन बने हुए लेकिन सिर्फ नाम के, कोई नहीं पूछता सर। नो एंट्री एरिया में जब नो एंट्री लगी होती है तब की बात तो अलग है, लेकिन जब नो एंट्री खुल जाता है सर, उसके बाद अगर हम ट्रक अपना भेजते हैं कंपनी में, तो पुलिस वाले क्या करते हैं सर, गाड़ी को साइड में खड़ा करते हैं, वो सर कहते हैं नहीं पहले पैसा दो फिर जाके गाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। मतलब कुछ नहीं है सर हम लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा हम लोग ही काम करते हैं, मतलब दवाइयों से लेके। मतलब सर कौन सा ऐसा काम है जिसमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, हर काम के लिए हम लोग सबसे पहले, और हमारा कोई सुनवाई नहीं है सर। प्लीज आपकी सरकार आए तो आपसे मतलब मैं क्या बोलूं, कि मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि हम लोगों के लिए प्लीज कुछ सोचिएगा सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। सर यहीं पे बाहर ग्वालियर में मेरी मुखवास की एक शॉप है सर, यहाँ पे बाहर, और सर मैं अभी SJI पे सर बैठता हूँ। वहाँ पे सर हमारा कैसा मॉल में जो शॉप है सर, वहाँ पे GST पे होता है, इलेक्ट्रिक बिल्स प्रॉपर पे होते हैं, सब प्रॉपर ऑफिशियली रहता है FSI के लाइसेंस के साथ, राइट। तो सर हमारे स्मॉल इंडस्ट्री में जो ये मैं मुखवास का बिजनेस कर रहा हूँ सर, फिर भी मॉल में भी आके कभी भी PI की नाइट है, कॉम्बिनेटर आके सर मुखवास भी ले जाएंगे और मुखवास की दुकान बंद भी करा के निकल जाएंगे। और वहीं पे एग्जैक्टली सामने सर, जो गवर्नमेंट रोड वगैरह रहते हैं वहां पे सर, वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट वहां पे सर पैसे लेते हैं, मतलब हफ्ता वगैरह, और वहां पे सब लारी वगैरह शॉप लोगों उन लोगों को देते हैं सर, और उनका सर पूरी पूरी रात चलता है विदाउट एनी हैरेसमेंट, विदाउट एनी, और उन लोगों भी कभी कभी उन लोगों को भी लाकड़ी डंडा मतलब लकड़ी से वगैरह से मार मार के उनकी लारी मतलब तोड़ देते हैं, मरोड़ देते सर, सब सामान जो वगैरह रहते हैं उन लोगों को फेंक देते सर। मतलब हफ्ता लेने के बाद उन लोग के साथ भी वही मतलब व्यवहार हो रहा है, ऑफिशियल्स के साथ भी वही मतलब वो लोग मतलब बिहेवियर उनका यही रहता है सर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर रहती है उनके साथ ये मतलब बिहेवियर उन लोगों का रहता है सर। तो अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट बनती है तो सर आप इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि ये लोग सर बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में बहुत सारे लोग मतलब करते हैं, लोग अपना खुद का बिजनेस बहुत करते हैं सर, पर उन लोगों को मतलब करने देते अच्छे से, मतलब दबा दबा के रखते हैं सर। थैंक यू सर। दोस्तों एक मेरी आपसे शुरू करने के पहले निवेदन है कि इन लोगों ने मीडिया को बहुत डरा के रखा हुआ है, मीडिया को कहा हुआ है कि आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को इनको बिल्कुल नहीं दिखाना। मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, वो दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीडिया वाले दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे डरे हुए हैं। तो ये चुनाव हम सोशल मीडिया से जीतेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग फोन निकाल के इसकी रिकॉर्डिंग कर सकें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फैला दीजिए। मैं समझता हूं कि जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अपने आप बात फैलेगी। अभी जब मैं कल फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बगल में अहमदाबाद के एक व्यापारी बैठे हुए थे, स्टॉक ब्रोकर हैं, मुझे देख के आश्चर्यचकित हो गए। बोले सर CM के बगल में बैठा हूं मैं, मेरे भाग्य खुल गए। फिर बोले कि सर मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। मैंने कहा ले लीजिए। फिर अचानक बोले कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी? कहते हैं सर आजकल आपके पीछे ED और CBI पड़े हुए हैं, अगर फोटो ले ली तो मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे।
मैंने कहा फोटो शेयर मत करना, अपने मोबाइल में रख लेना। बोला सर सबके मोबाइल टैप हैं, तो फोटो ले ली तो उन तक पहुंच जाएगी। मैं सोच रहा था कितने डरे हुए हैं यार अपने देश के लोग, व्यापारी कितने डरे हुए हैं। जिस देश का व्यापारी एक फोटो लेने में इतना डरा हुआ है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। नहीं, जब तक व्यापारी खुश नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान व्यापारियों का होता है, सबसे ज्यादा योगदान उद्योगपतियों का होता है। सब लोगों को डरा के रखा हुआ है इन्होंने, सब लोगों को डरा के रखा हुआ है। कल मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया, होटल पहुंचा, होटल पहुंचते ही खबर आ गई कि हमारे आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पे गुजरात पुलिस की रेड करवा दी इन्होंने। हमारी फक्कड़ पार्टी, चार पैसे है नहीं हमारे पास। वो दो घंटे सारे सर्च वर्च करके अपना माथा पकड़ के पुलिस चली गई। बार बार हमारे लोगों से पूछ रही थी पैसा कहाँ है, बोले है ही नहीं सर, तो चले गए। आज सुबह अहमदाबाद पुलिस बोलती है कि कोई रेड नहीं हुई। ये बड़ा शानदार है यार, कल रेड करी, तीन पुलिस वाले आए, उन तीन पुलिस वालों ने सारा सर्च वर्च करा, अपना आई कार्ड भी दिखाया, नाम भी पता है हमें पुलिस वालों के। आज कहते कोई उनके पास वारंट नहीं था, कोई सर्च वारंट नहीं था, कोई कागज नहीं था, आए बस रेड करी और चले गए। हमने जब शोर किया कि रेड हो गई हमारे ऊपर, रेड हो गई, तो कहते कोई रेड नहीं हुई। ये बड़ा अच्छा है, बिना कागज के, बिना किसी, किसी के भी घर में घुस जाओ, किसी के भी दफ्तर में घुस जाओ। और फिर ये तो आम आदमी पार्टी थी, इनकी हिम्मत नहीं हुई पैसे, नहीं तो किसी से भी पैसे मांग लो, पैसे बोलो इतने पैसे दे, नहीं तो तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। और कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, ऐसे पुलिसिया सरकार चलेगी? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनके या तो खुद के ऊपर, या रिश्तेदार के ऊपर, या दोस्तों के ऊपर, या जान पहचान वालों के ऊपर, या तो इनकम टैक्स की रेड हुई हो, ईडी की रेड हुई हो, सीबीआई की रेड हुई हो, जरा हाथ खड़ा करके, डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे हाथ खड़ा करके बताएं। इतने देश के अंदर ऐसे डरा रखा है इन लोगों ने एजेंसी के जरिए लोगों को, भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, उगाही करने के लिए। जितनी एजेंसीज आती हैं सब उगाही करने के लिए आती हैं। जब तक देश के व्यापारी के मन से डर नहीं निकाला जाएगा, जब तक व्यापारी खुल के व्यापार नहीं कर पाएगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज ये, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात के अंदर भयमुक्त वातावरण देना हमारा सबसे पहला काम होगा। अभी जब मैंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान पहचान वाले या किसी के यहाँ रेड हुई हो, किसी की हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है, कभी कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जान पहचान वाले या किसी के यहाँ इनकम टैक्स की, इसकी, उसकी रेड ना हो। डर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जनता के मन से डर निकालना पड़ेगा। निडर होके व्यापार करो, आप निडर होके व्यापार करोगे, आपका व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, खुद भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं, हमारे, मैं बनिया परिवार से आता हूं, बनिया हूं, तो हमारे दादाजी की तरफ भी, मामा जी की तरफ भी, नाना नानी, दादा दादी सारे व्यापार में थे। और मैं जानता हूं कि एक व्यापारी कितनी टेंशन के अंदर 24 घंटे व्यापार करता है। कभी लगता है ये एजेंसी आ जाएगी, कभी वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। सबसे ज्यादा जीएसटी से दुखी हैं लोग, हैं कि नहीं है? जीएसटी से बहुत दुखी हैं। अभी जैसे बताया इन्होंने, कई मैं सुन रहा था, जैनेन्द्र तन्ना जी ने बताया कंप्लायंस की दिक्कत है, रेट्स की भी दिक्कत है। इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने जीएसटी को,
इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम भी करेंगे, गुजरात के स्तर पे भी करेंगे और केंद्र सरकार के स्तर पे भी आवाज उठाएंगे ताकि, और अगर आप गुजरात में सरकार बना दोगे तो हमारे 3 CM हो जाएंगे। जब 3 CM मिलके केंद्र सरकार में आवाज उठाएंगे तो थोड़ी ताकत ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी। तो ये GST को ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़े स्तर पे GST को ठीक कर, कंप्लायंस भी ठीक करने की जरूरत है, रेट्स भी ठीक करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने प्रश्न पूछा, तन्ना जी ने भी और उनके बगल में जो बैठे हैं उन्होंने भी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि GST काउंसिल के अंदर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बाध्य नहीं है राज्य सरकारों के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत बड़ा अवसर पैदा करता है। अभी फ्रेंकली हमने इस ऑर्डर को अच्छे से स्टडी नहीं किया, इसके बहुत वाइड इंप्लीकेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस हैं, लीगल इंप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशंस हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है, मैं आज गुजरात के सभी व्यापारियों को आश्वासन दे के जाना चाहता हूं, आपके साथ बैठेंगे, जैसे आप कहेंगे GST की रिजीम गुजरात के अंदर वैसी ही होगी जैसा व्यापारी चाहेंगे, ना कि वैसी होगी जैसा एक्सटॉर्शन की तरफ से।